तुम लोगों में हज का ऐलान कर दो, लोग तेरे पास पैदल और सवारियों पर दूर दराज इलाकों से आएंगे। करीबन 4,500 साल पहले अल्लाह ताला के हुक्म पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पुकार के जवाब में लोग दीनो दुनिया की भलाई और रब्बे कायनात की खुशनूदी हासिल करने दुनिया के कोने कोने से मक्का मुअज्जमा की तरफ खींचे चले आते हैं। हज इस्लाम का 5वां रुकन है और हर आकिल बालिग और साहिब इस्तेदात मुसलमान पर जिंदगी में एक बार फर्ज किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का वाहिद हज 10 हिजरी में कमोबेश 125,000 सहाबाए कराम के साथ अदा किया, जिसे हज्जतुल वदा के नाम से जाना जाता है। मनासी के हज और इंतजामी उमूर से आगाही। हज कुरानदाजी में कामयाबी के फौरन बाद आज़मीन हज को चाहिए कि वो मनासी के हज और दीगर इंतजामी उमूर से आगाही हासिल करने के लिए वजारत मजहबी उमूर के हाजी कैंपों के जरिए होने वाली तरबियती वर्कशॉप्स के साथ साथ तरबियती किताबचों, हज दस्तावेजी फिल्म, टेलीविजन, रेडियो के प्रोग्रामों और अपने इलाकों में मौजूद मुस्तनद उलमाए कराम से राब्ता रखें। कहीं ऐसा न हो कि बगैर तरबियत और इल्म के आपका ये मुबारक सफर अपने और दूसरों के लिए जहमत और परेशानी का बायस बन जाए। सफर हज की तैयारी। हज पर रवाना होने से पहले रकम यानी कम से कम 2000 सऊदी रियाल के इंतजाम के अलावा हाजी कैंप से सफरी दस्तावेजात यानी पासपोर्ट, टिकट, शनाख्ती लॉकेट वगैरह भी हासिल कर लें। पासपोर्ट, वीजे और टिकट की फोटोकॉपी भी एहतियातन अपने साथ रखें। दीगर सामान्य जरूरत में मर्दों के लिए 2 एहराम, 1 एहराम की बेल्ट, मजबूत और आरामदेह सैंडल और चप्पल जिससे पाँव के ऊपर उभरी हुई हड्डी नंगी रहे। खवातीन के लिए 2 अदद अबाया, बमा स्कार्फ और आरामदेह जूते वगैरह शामिल हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल के 4 जोड़े कपड़े और आम जूता। हरम में जूते रखने के लिए डोरी वाला छोटा थैला, पानी की बोतल, मिसवाक, ब्रश और पेस्ट, सुई धागा, धूप से बचाव के लिए छतरी, दस्ती बैग जिसमें एहराम, पासपोर्ट, अदवियात वगैरह रखी जा सकें, इजाफी नजर की ऐनक, सामान पर नाम लिखने के लिए बड़ा मार्कर, बांधने के लिए रस्सी, बड़ा सूटकेस या बैग जिसका वजन सामान समेत किसी सूरत 30 किलोग्राम से ज्यादा न हो, बसूरत दीकर एयरलाइन को इजाफी किराया अदा करना पड़ेगा। ममनुआ अशिया। सऊदी अरब में हर किस्म की मनशियात, मसलन चरस, अफ्यून, हेरोइन, शराब और खाब आवर अदवियात ले जाना ममनू है, और अगर किसी के सामान से बरामद हो जाए तो निहायत कड़ी सजाएं या सजाए मौत दी जाती है। लिहाजा आज़मीन हज को हिदायत की जाती है कि वो किसी का दिया हुआ सामान हरगिज अपने हमराह न लेकर जाएं और अपने सामान को भी ताला लगाकर अपनी नजरों के सामने हिफाजत से रखें। तिब्बी मुआयना और वैक्सीनेशन। मुतालिका हाजी कैंप में अपना तिब्बी मुआयना करवाएं, और अगर आप कुछ मखसूस अदवियात मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका इंदराज इलाज की किताब में करवाएं और उसकी मुनासिब तादाद हाजी कैंप से पैक करवा कर अपने हमरा लाजमी ले जाएं। पोलियो वैक्सीन, गर्दन तोड़ बुखार और नजले से बचाव का टीका हज पर रवानगी से कम अज़ कम 10 दिन पहले लगवा कर वैक्सीनेशन कार्ड में उसका इंदराज लाजमी करवाएं। ये कार्ड सऊदी अरब आमद के मौके पर चेक किया जा सकता है। हज एक मुश्किल और जिस्मानी मशक्क़त वाली इबादत है, लिहाजा रोजाना कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चलने की मशक करें। इबादत में यकसुई के लिए
कम और सादा गजा की आदत डालें। शनाख्त। तमाम आजमीन हज अपने सूटकेस और दस्ती सामान पर शनाख्त के लिए हाजी कैंप से मिलने वाले स्टिकर पर अपना नाम, पासपोर्ट, फोन, बिल्डिंग और मकतब के नंबर वाजे अंदाज में लिखकर बैग पर चिपकाएं और बैग के अंदर भी किसी चिट पर लिखकर रखें ताकि गुमशुदा सामान मिलने की सूरत में शोबे गुमशुदगी वाजियाबी आपसे राब्ता कर सके। तमाम मर्द अपने एहराम पर और खवातीन स्कार्फ पर शनाख्त के लिए पाकिस्तानी परचम का स्टिकर चस्पा करें जो आजमीन हज को हाजी कैंपों से मुफ्त मुहैया किया जाता है। खवातीन सऊदी अरब में क्याम के दौरान अबाया लाजमी पहने, कांच की चूड़ियां और ऊंची हील वाले जूते साथ लेकर मत जाएं। तमाम आजमीन हज को हिदायत की जाती है कि अपने मकतब के कार्ड और शनाख्ती लॉकेट हर वक्त पहने रखें, ये आपके पासपोर्ट का नेमुल बदल है। रास्ता भूलने की सूरत में मुआविनीन हुज्जाज उनकी मदद से आपकी दुरुस्त रहनुमाई कर सकेंगे। एहराम बांधने से पहले, एहराम बांधने से कबल नाखून तराशना, गैर जरूरी बाल साफ करना और गुस्ल करना सुन्नत है। मुमकिन हो तो बदन पर खुशबू लगाएं। मर्दों का एहराम सिर्फ दो अनसिली सादा चादरें हैं, एक तहबंद की तरह नाप से ऊपर बांध लें, मजबूती के लिए बेल्ट भी बांध लें और दूसरी चादर ऊपर ओढ़ लें। खवातीन का एहराम आम लिबास के ऊपर अबाया और स्कार्फ है जिससे सर के बाल भी ढके हुए हों। सिर्फ हाथ और चेहरा खुला होना चाहिए। अगर मकरूह वक्त ना हो तो दो रकात नफल बराए एहराम अदा करें और उम्रे की नियत यानी लब्बैक उम्रा पढ़कर खवातीन धीमी आवाज में जबकि मर्द ऊंची आवाज में तीन बार तलबिया पुकारें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाजिर हूं ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, बेशक हम्द तेरे ही लायक है, सारी नेमतें तेरी ही दी हुई हैं और बादशाही तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं। तलबिया पुकारने के साथ ही एहराम की पाबंदियां आप पर लाजिम हो जाएंगी, मसलन शिकार करना या उसमें मदद करना, दरख्त घास पौधे काटना, जूं वगैरह मारना, नाखून या जिस्म के बाल काटना, खुशबू का इस्तेमाल, अज़दवाजी ताल्लुकात, मर्दों के लिए सिला हुआ कपड़ा और टोपी वगैरह पहनना, बंद जूते मोजे पहनना वगैरह, ये सब काम हालत एहराम में ममनू है। इनकी खिलाफवर्जी गुनाह है और कफारे के लिए बास सूरतों में बुदना, दम या सदका अदा करना वाजिब होता है। घर से एयरपोर्ट के लिए रवानगी। आजमीन हज वजारत मजहबी उमूर की हिदायत के मुताबिक या अपनी परवाज की रवानगी से कम अज कम 6 घंटे कबल अपने घर से बराह रास्त एयरपोर्ट पहुँचेंगे। जो आजमीन हज अपने मुतालिका हाजी कैंप में मुकीम हो उनके लिए एयरपोर्ट जाने के लिए बसों का इंतजाम होगा। अगरचे एयरपोर्ट के लाउंज में एहराम बांधने की सहूलत मौजूद होती है, ताहम रश से बचने के लिए जिद्दा रवाना होने वाले आजमीन हज को हिदायत की जाती है कि वह अपने घरों या हाजी कैंपों से ही एहराम बांधकर एयरपोर्ट पहुंचे, ताहम एहराम की नियत और दो नफल घर या एयरपोर्ट जहाँ आसानी मुयस्सर हो पढ़ लें। बराह रास्त मदीना मुनव्वरा परवाज वाले आजमीन हज सादा कपड़ों में ही एयरपोर्ट पहुंचेंगे और मदीना क्याम के बाद मक्का मुकर्रमा रवानगी के वक्त एहराम बांधेंगे। प्राइवेट स्कीम के आजमीन हज अपने वीजा लगे पासपोर्ट और टिकट अपने हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर से हासिल करके उसकी हिदायत के मुताबिक अमल करें। अपने हज पैकेज के मुआहदे की कॉपी लाजमी साथ रखें ताकि उसे इन्हराफ की सूरत में ग्रुप ऑर्गेनाइजर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। सामान की बुकिंग और बोर्डिंग कार्ड का हुसूल। एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल होने के बाद कस्टम हुकाम आपका सामान चेक करेंगे।
चेकिंग से फारिग होने के बाद अपनी मुतालिका परवाज के काउंटर पर अपना सामान जमा करवा कर सामान का टैग और बोर्डिंग कार्ड हासिल कर लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने हाजी कैंप से मिलने वाले स्टिकर को बैग पर अच्छी तरह से चस्पा कर दिया है और एयरलाइन के अमले ने आपके सामान पर टैग भी लगा दिया है। अब आप अपने दस्ती सामान के हमरा इमिग्रेशन काउंटर से गुजरकर मुसाफिरों की इंतजार गाह में पहुंच जाएंगे। अगर अभी तक एहराम की नियत नहीं की तो यहाँ मौजूद मस्जिद में दो नवाफिल अदा करके एहराम की नियत कर लें, क्योंकि जहाज में वजू करना या एहराम तब्दील करना इंतहाई मुश्किल अम्र है। जब जहाज में जाने का ऐलान हो तो कतार बनाकर जहाज की जानिब रवाना हो। जहाज में अपनी सीट के ऊपर मौजूद खाने में अपना दस्ती बैग रख कर इत्मीनान से बैठें और अमले की हिदायत को गौर से सुनें और उसके मुताबिक अमल करें। दौरान परवाज जिक्र अजकार और तलबिया पुकारते रहें। जिद्दा या मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट। जिद्दा या मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर लैंड करते ही सबसे पहले आपका वास्ता सऊदी इमिग्रेशन हुकाम से पड़ेगा, जो आपके पासपोर्ट चेक करने के बाद दाखिले की मुहर लगाएंगे। यहाँ काफी वक्त सर्फ हो सकता है। इमिग्रेशन से फारिग होकर मखसूस रास्तों से होते हुए आप एक बड़े हॉल में पहुँचेंगे। सऊदी हुकाम की रहनुमाई में यहीं से आपको अपना सामान मिलेगा, जो आपकी आमद के साथ ही कन्वेयर बेल्ट के जरिए उस हाल के बैरूनी हिस्से में पहुंचा दिया जाता है। अपना सामान वसूल करने के बाद आपको सऊदी कस्टम्स के अमले से वास्ता पड़ेगा। सामान की चेकिंग के दौरान कस्टम्स के अमले को मुतमईन किए बगैर कोई भी मुसाफिर एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकता। अगर आपका सामान आ गया तो उठाकर अपने पास रख ले, अपना सामान पूरा कर ले। इस हॉल से बाहर निकलने पर सब्स पाकिस्तानी परचम थामे दफ्तर उमूर हुज्जाज पाकिस्तान का अमला आपको खुशामदीद कहेगा और आपको बसों की इंतजार गाह तक पहुंचाएगा। तमाम बसें परवाज मकतब और बिल्डिंग की तरतीब के लिहाज से रवाना होंगी, लिहाजा अपनी बारी का इंतजार करें और इन तमाम मराहिल को सब्र व तहम्मुल और खंदा पेशानी से तय करें। कतार बनाकर बसों में सवार हों और इस बात का इत्मीनान कर लें कि आपका तमाम सामान भी उसी बस में लोड कर दिया गया है। बसों में सवार होते वक्त हमेशा खवातीन और बुजुर्ग आजमीन हज को तरजीह दें। रिहाइश गाहें। सऊदी तालिमात के मुताबिक खवातीन और मर्दों को अलहदा कमरों की अलॉटमेंट ग्रुपों की बुनियाद पर पाकिस्तान से ही कर दी जाती है, जिसकी तब्दीली सऊदी अरब में नामुमकिन है। रिहाइश गाहों पर मौजूद मुआवनीन आपकी मुख्तस रिहाइश पर पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। मुनासिब होगा कि अपने कमरे में सामान रखने के बाद हरम की तरफ रवाना होने से पहले कुछ देर आराम कर लें, वरना थकावट की वजह से इबादत का लुत्फ नहीं आएगा। हरम की तरफ रवाना होने से कबल अपने गले के लॉकेट और मकतब के कार्ड जरूर अपने हमराह रखें, जबकि अपनी बिल्डिंग और इलाके का नाम पता फोन नंबर लिखकर अपने पास भी रख लें। हरम में दाखिल होते वक्त गेट का नाम और नंबर याद रखें। पहला उम्रा। उम्रे के दो फराइज हैं। उम्रे की नियत से एहराम बांधकर तलबिया पुकारना और तवाफ करना यानी बैतुल्लाह के गिर्द सात चक्कर लगाना। उम्रे के दो वाजिबात हैं, सफा और मरवा की सही करना और हल्क या कसर करना। सुन्नत के मुताबिक हरम पाक में दाखिल हों और खाने काबा पर पहली नजर पड़ते ही हाथ उठाकर खूब दुआएं मांगें, क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत का खास मौका है। उसके बाद हजरे अस्वद की सीध में आएं, जिसकी निशानदेही सब्स ट्यूबलाइट के जरिए भी की गई है। यहां तलबिया पुकारना बंद कर दें। मर्द एहराम के ऊपर वाली चादर सीधे हाथ की बगल से निकालकर बाएं कंधे पर डाल दें।
यूं उनका दायां कंधा खुला हो जाएगा। इसे इस्तिबा कहा जाता है। यहां खड़े होकर खाने काबा की तरफ मुंह करके तवाफ की नियत करें। ए अल्लाह, मैं आपकी रजा के लिए उम्रे के तवाफ की नियत करता या करती हूँ, इसे मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और कबूल फरमा लीजिए। इसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहते हुए हजरे अस्वद की तरफ हथेलियां करके चूम लें। इसे हजरे अस्वद का इस्तलाम कहा जाता है। इसके बाद तवाफ शुरू कर दें और दौराने तवाफ मस्नून दुआएं जबानी या देख कर पढ़ें। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वकिना अज़ाबन्नार। ये दुआ रुकने यमानी और हजरे अस्वद के दरमियान पढ़ना सुन्नत है। नियत तवाफ या दीगर मकामात पर पढ़ी जाने वाली दुआओं के अरबी अल्फाज अगर याद ना हो तो जो भी दिल में आए मांगे, जिस जबान में जी चाहे मांगे। आपको खाने काबा के गेट 7 चक्कर पूरे करने हैं और हर चक्कर के बाद इस्तलाम करना है। मर्द सिर्फ पहले 3 चक्करों में सीना तान कर तेज तेज चलेंगे, जिसे रमल कहा जाता है। ताहम भीड़ की सूरत में तेज चलना जरूरी नहीं। तवाफ के बाद 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ मकाम इब्राहिम की सीध में अदा करेंगे। अगर यहाँ मौका न मिले तो ये हरम में कहीं भी अदा किए जा सकते हैं। मताफ के चारों तरफ ठंडे और सादा जमजम की टूटियां और कूलर लगे हुए हैं। क़िबला रुख खड़े होकर जी भर कर जमजम पिएं और खूब दुआएं मांगे। जमजम पीने के बाद सफा पहाड़ी की तरफ सही के लिए रवाना हो जाएं, जिसकी निशानदेही के लिए अरबी और उर्दू में बोर्ड लगे हुए हैं। सफा की तरफ जाते हुए हजरे अस्वद का इस्तलाम करना सुन्नत है। सफा और मरवा की सई। सफा पहुंचकर आप सई की नियत करें और मरवा की तरफ चलें। रास्ते में जहां सब्स लाइट शुरू हो तो वहां से मर्द उस वक्त तक भागें जब तक सब्स लाइट खत्म न हो जाए। ताहम खवातीन अपनी मामूल की रफ्तार से चलें। मरवा पहुंचकर आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। यहां क़िबला रूह होकर खूब दुआएं मांगने के बाद दोबारा सफा की तरफ रवाना हों। सब्ज लाइटों के दरमियान भागकर और बाकी मकाम से मामूल की रफ्तार से चलकर आप दोबारा सफा पहुंच जाएंगे। इस तरह आपके 2 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे। इसी तरह 7 चक्करों के बाद आपकी सई मरवा पर मुकम्मल होगी। हल्क या कसर। सई के बाद मर्द हजरात हल्क यानी सर के बाल मुंडवाकर या कसर करवाकर हालत एहराम से बाहर आएंगे। औरतें कसर यानी सारी चुटिया पकड़कर सर के दाएं बाएं और पीछे 3 हिस्से करके हर हिस्से से उंगली की एक पोर के बराबर या कुछ ज्यादा बाल काट कर हालत एहराम से बाहर आ जाएंगी और यूं आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। सफरी सहूलतें। सरकारी हज स्कीम के तहत आए हुए हुजाज की रिहाइश गाहें मक्का मुकर्रमा में अजीजिया नामी बस्ती में होंगी, जो हरम पाक से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। बिल्डिंग के बाहर हरम आने जाने के लिए जदीद एयर कंडीशन बसें 24 घंटे वहां मौजूद होंगी। अगर आप चाहें तो 5 नमाजें हरम में अदा कर सकते हैं। आपकी रिहाइश का बस स्टॉप और हरम के पास पाकिस्तानी मुआवनीन आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं। हज से पहले हरम में बहुत ज्यादा रश के बायस सऊदी हुकूमत 5-15 जुलहज तमाम बसों की आमदोरफ्त बंद कर देती है। लिहाजा उन दिनों में हरम जाने, दीगर ज़ियारात या गैर जरूरी सफर से परहेज करें और नमाज अपने इलाके की करीबी मस्जिद में अदा करें। खुसूसन आखिरी नमाज जुमा के लिए खवातीन और बच्चे हरम पाक जाने से गुरेज करें।
मदीना मुनव्वरा की हाजिरी। मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी हज का रुकन तो नहीं, लेकिन आशकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये सफ़र बहुत बड़ी सआदत है। सरकारी स्कीम के आज़मीने हज मदीना मुनव्वरा रवानगी के शेड्यूल के बारे में मुआवनीन हुज्जाज के जरिए दफ्तर मदीना रवानगी से आगाही हासिल करें और उस पर सख्ती से अमल करें। जो हुज्जाज हज से पहले मदीना मुनव्वरा नहीं गए थे, वो अपनी पाकिस्तान रवानगी से तकरीबन 10 दिन कबल रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी और दीगर ज़ियारात के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिए जाते हैं। मदीना मुनव्वरा पहुँच कर गुसल के बाद बेहतरीन कपड़े ज़ेब तन करके दुरूद पाक का विर्द करते हुए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाएं और दो रकात नमाज नफल शुक्राना के बाद बाबू सलाम के रास्ते रोज़े रसूल पर हाजिरी दें कि अल्लाह ताला ने आपको दो जहानों के सरदार के दरबार में हाजिरी की तौफीक बख्शी। मदीना मुनव्वरा और खुसूसन मस्जिद नबवी में आदाब हाजिरी का खास ख्याल रखें। रियाजुल जन्ना, जिसकी निशानदेही सब्ज़ कालीनों के जरिए की गई है, में नवाफिल और दुआ का खुसूसी एहतमाम करें। मदीना मुनव्वरा की दीगर ज़ियारात में जन्नतुल बकी, मस्जिद कुबा, मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद जुमा, मस्जिद कमामा, ग़ज़वा उहद और खंदक के मकामात वगैरह शामिल हैं। बेहतर है खजूर और दूसरी अशिया की खरीदारी मदीना मुनव्वरा से कर लें, ताहम हिजाज मुकद्दस में अपने क़याम को कीमती बनाएं और बाजारों और मार्केटों में ज्यादा वक्त गुजारने से परहेज करें। अगर सामान वजन की मुकर्ररा हद से जायद हो गया तो एयरलाइन को इजाफी किराया अदा करना पड़ेगा। मुश्तरका रिहाइश, सफाई और खाना। सरकारी स्कीम के हुज्जाज मुश्तरका रिहाइश गाहों में क्याम करेंगे, जहाँ गुसल खाने, किचन और वॉशिंग मशीनें भी मुश्तरका होंगी। तमाम सरकारी हुज्जाज को खाना उनकी रिहाइश गाहों पर ही फराहम किया जाएगा। इस मकसद के लिए मुकर्ररा वक्त पर डाइनिंग हॉल में आएं और यहीं खाना तनावुल फरमाएं। कमरों में खाना लेकर जाना मना है। अपने हिस्से से ज्यादा खाना ना लें। दूसरे आज़मीने हज के हुकूक का ख्याल रखें। अपने कमरों में सफाई का खास ख्याल रखें। खाने का जायका अक्सरियत के मियार को मद्देनजर रखकर बनाया जाता है, ताहम इनफरादी सतह की पसंद नापसंद पर सब्र तहमुल से काम लें और मुआविनीन हुज्जाज से ताबुन करें। सऊदी अरब में बेशतर रिहाइश गाहों में मगरबी तर्ज के वॉशरूम्स और कमोड नस्ब हैं। आज़मीने हज से गुजारिश है कि कमोड का दुरुस्त इस्तेमाल सीख कर जाएं, ताकि किसी किस्म के नुकसान या नापाकी का अंदेशा न हो। सफाई का खास ख्याल रखें और दूसरे आज़मीने हज के लिए जहमत का बायस न बने। तिब्बी सहूलियात। आबो हवा की तब्दीली, इन्फेक्शन या बुखार, नज़ला, गले की खराबी और बाज़ औक़ात शदीद थकन की वजह से जिस्मानी दर्द की शिकायत हो सकती है। ऐसी सूरत में वजारत मजहबी उमूर और दफ्तर उमूर हुज्जाज पाकिस्तान ने आपकी रिहाइश गाहों के करीब डिस्पेंसरियां कायम की हैं, जहां पाकिस्तानी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे मौजूद है। इसके अलावा मक्का और मदीना मुनव्वरा में एक बड़ा अस्पताल भी कायम किया जाता है, जहां एक्सरे और टेस्टों की तमाम सहूलियात हुज्जाज कराम को मुफ्त मुहैया की जाती हैं। जरूरत के तहत एम्बुलेंस सर्विस भी मुफ्त मुहैया की जाती है। सऊदी कवानीन की पासदारी। सऊदी अरब में कवानीन इंतहाई सख्त हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई हाजी कानून की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया तो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान हज मिशन उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं कर सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि सऊदी कवानीन का एहतराम किया जाए और सऊदी एहलकारों की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। कोई भी गिरी पड़ी चीज हरगिज ना उठाएं, क्योंकि यहाँ जमीन पर गिरी हुई चीज उठाने का मतलब चोरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सजा के साथ साथ खुदा ना खास्ता हद से भी महरूम हो जाएं। यहाँ औरतों के अकेले फिरने को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, इसलिए अगर औरतों को बाहर जाना हो तो जरूरी है कि सऊदी रस्म रिवाज के मुताबिक अपने महरम के साथ और अबाया ओढ़ कर ही बाहर निकले।
हरम में ऊंची आवाज में बातें और मोबाइल फोन का बेजा इस्तेमाल न करें। हरम पाक के तकद्दस के पेश नजर मोबाइल से तस्वीर या सेल्फी बनाने की सख्त ममानियत है। दफ्तर उमूर हुज्जाज पाकिस्तान। हुज्जाज की सहूलत के लिए वजारत मजहबी उमूर के जेर इंतजाम सऊदी अरब में कायम दफ्तर उमूर हुज्जाज में बहुत से शोबे काम करते हैं। इनमें मरकजी इंतजामी दफ्तर MCO, 24 घंटे मुफ्त हेल्पलाइन, शोबे शिकायत, दफ्तर मदीना रवानगी, शोबे गुमशुदगी और बाजियाबी, शोबे रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और खुराक, शोबे अमराज और अम्बात, शोबे मॉनिटरिंग और IT शामिल हैं। हुज्जाज कराम की फौरी रहनुमाई के लिए उनकी रिहाइशगाह पर भी मुआवनीन हुज्जाज तैनात होते हैं, जबकि हर रिहायशी सेक्टर में एक सेक्टर ऑफिस काम करता है। क्याम के दौरान हमेशा अपने ग्रुप के साथ रहें और गुम हो जाने की सूरत में अपने मोबाइल फोन, हरम गाइड्स या मुआवनीन हुज्जाज के जरिए मदद हासिल करें। हज की तैयारी और रवानगी के लिए अहम हिदायत। अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लें, क्योंकि अब हज का मुश्किल तरीन मरहला शुरू होने जा रहा है। अब तक आपने सऊदी अरब में जो वक्त गुजारा है वो यकीनन वजारत मजहबी उमूर के हुस्न इंतजाम की वजह से बगैर किसी परेशानी और मुश्किल के गुजारा होगा। अब आप मशायरे मुकद्दसा के लिए रवाना होंगे, जहां दुनिया भर से आए हुए लाखों आजमीन हज एक जगह पर जमा होंगे और उनको मौसम की शिद्दत का सामना करना पड़ेगा। अब तक हमें लग रहा है कि हम बआसानी पैदल चल सकते हैं, क्योंकि बस आपको हरम के बिल्कुल करीब उतारती थी और बस स्टॉप से हरम पैदल जाना कोई सफर महसूस नहीं होता था। अब अगले 5 दिन आपके पास आराम के लिए बिल्कुल वक्त नहीं होगा। मिना और अरफात के मकातिब के नक्शे आपको अपनी बिल्डिंग से मिल जाते हैं। ये नक्शे मशायर में भी जगह जगह नस्ब किए गए हैं। वजारत ने मकतब और बिल्डिंग की तलाश के लिए स्मार्टफोन्स की मोबाइल ऐप पाक हज मुआविन भी तैयार की है। उनसे खुद भी आगाही हासिल करें और साथ ही हुज्जाज की भी मदद करें। मुकद्दस मकामात यानी हरम, मिना, मुज़दलिफा और अरफात की सफाई का खास ख्याल रखें। खाली बोतलें, रैपर और कूड़ा करकट रास्तों में फेंकने के बजाय मखसूस कूड़ा दान में डालें। हज के 5 दिन की मुनासबत से अपने साथ कम से कम सामान रखें जो कि कंधे पर लटकाने वाले बैग में बआसानी आ जाए। मसलन एहराम की इजाफी चादर, एक जोड़ा कपड़े और जूता, मिसवाक, फोन चार्जर, मुज़दलिफा के लिए मैट, छोटा तकिया वगैरह। आप अपनी एयर कंडीशन रिहायशों से निकलकर मिना की खेमा बस्ती और मैदानी अरफात मुंतकिल होंगे, जहां शदीद गर्मी के मौसम में हजारों बसों के चलने की वजह से दिन के औकात में रूम कूलर्स के बावजूद गर्मी और हब्स बहुत बढ़ जाता है। मिना और अरफात में महदूद जगह के बायस आपको नरमो गुदास बिस्तरों के बजाय जमीन पर बिछे 1.5 से 2 फुट चौड़ाई वाले मैट्रेस पर वक्त गुजारना होगा। इसके लिए जहनी तौर पर खुद को तैयार रखें। दूसरे हुज्जाज के साथ खंदा पेशानी के साथ पेश आए। अय्यामे हज में शदीद रश के बायस खाना मुश्किल से और ताखीर से मिलने का अंदेशा होता है। नीज खाने के जायके में भी फर्क आ सकता है। सब्र का दामन हाथ से न छोड़ें और एहतियातन खुश खुराक मसलन निम्को, बिस्किट, छोटे केक, चने, जूस और पानी वगैरह अपने साथ रखें। वजू और रफ़ा हाजत की जगहों पर हुज्जाज का शदीद रश होता है। साथ ही हुज्जाज की आसानी के लिए उन जगहों पर सफाई और पाकीजगी का खास ख्याल रखें। पानी का गैर जरूरी इस्तेमाल न करें। अय्यामे हज में अपनी खुराक कम से कम रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादात में गुजरे। हज के फराइज और वाजिबात। हज के 3 फराइज हैं। किसी एक के छूट जाने से हज नहीं होगा। हज की नियत से एहराम बांधकर तल्बिया पुकारना, 9 जुलहज को वकूफ़े अरफात और तवाफ़े ज़ियारत। हज के 6 वाजिबात हैं कि किसी वाजिब के रह जाने पर दम देने से तलाफी हो जाएगी।
वकूफ मुज़दलिफा, रमी, कुर्बानी, हल्क या कसर, सई, तवाफ विदा, मिना रवानगी। हज 5 दिनों का होता है जो 8 जुलहज से शुरू होकर 12 जुलहज को खत्म हो जाता है। 8 जुलहज या 7 की रात को आप अपनी रिहाइश से एहराम बांधने के साथ हज की नियत लब्बैक का हज्जन के अल्फाज अदा करके मिना की तरफ रवाना होंगे। मकतब के जिम्मेदार रवानगी से कबल आजमीन हज को मिना कार्ड भी देंगे जिस पर खैमा नंबर, मकतब और दूसरी मालूमात दर्ज होती हैं। दौरान हज इस लॉकेट को पहनकर रखना इंतहाई जरूरी है। रिहाइशगाह से मिना रवानगी के लिए आपका मकतब बसों का इंतजाम करता है। आजमीन हज को बसों पर मुकर्ररा वक्त से काफी पहले भी सवार कराया जा सकता है और सड़कों पर शदीद रश के बायस तवील इंतजार की जहमत भी उठानी पड़ सकती है। अजीजिया की रिहाइशगाह से मिना का फासला 2 से 4 किलोमीटर बनता है। हुज्जाज ग्रुप की शक्ल में 1 से 1.5 घंटे में बआसानी पैदल भी मिना पहुँच सकते हैं। मिना 8 जुलहज को आप मिना में जुहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें अदा करेंगे। सिर्फ हज के दिनों में आबाद होने वाला खेमों का शहर मिना 100 से ज्यादा मकातिब में तकसीम है। मिना से मुत्तसिल हरम की जानिब जमरात यानी 3 अलामती शैतान वाक़े हैं। मिना से मस्जिद हराम तक मखसूस सुरंगों के जरिए पैदल रास्ता 6 से 8 किलोमीटर बनता है। हज के दिनों में प्राइवेट गाड़ियों के महंगे किराए और सड़कों पर शदीद रश के बायस मिना से हरम जाने आने के लिए ये रास्ता सबसे मुनासिब है। मिना की दूसरी जानिब मुज़दलिफा और मैदान अरफात वाक़े हैं जो बिलतरतीब तकरीबन 4 और 14 किलोमीटर दूरी पर हैं। रात मिना में ही क़याम होगा। 9 जुलहज की फज्र मिना में अदा करके तुलुए आफ्ताब के बाद अरफात की तरफ रवानगी होगी। मशायर में आमद और रफ्त के तरीके। मिना, मुज़दलिफा और अरफात के दरमियान एक जदीद और तेज रफ्तार मशायर ट्रेन चलती है लेकिन उसकी कुल गुंजाइश 3 लाख हुज्जाज तक महदूद है। नीज सऊदी तालीमात के मुताबिक ट्रेन टिकट सिर्फ स्टेशन के नजदीकी मकातिब को मिलता है। ट्रेन के जरिए जाने वाले आजमीन हज के लिए 3 स्टेशन बनाए गए हैं। ट्रेन टिकट के मुताबिक अपने मखसूस स्टेशन से ही सवार हों। ज्यादातर हुज्जाज बसों के जरिए या पैदल सफर करते हैं। बसों की रवानगी में ताखीर हो सकती है, इस मौके पर निहायत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। बहुत ज़ईफ़ और माजूर अफराद पाकिस्तान से ही व्हीलचेयर का बंदोबस्त कर लें और कम रश वाले औकात या मुतबादल जगहों यानी तवाफ, सई और रमी के लिए ऊपरी मंजिलों का इंतखाब करें। मशाई ट्रेन पर सवार होने के लिए मखसूस लिफ्टों का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर मुफ्त हेल्पलाइन, मुआविनीन हुज्जाज या मकतब के नुमाइंदों से रहनुमाई हासिल करें। याद रखें, मशाई ट्रेन के स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्तों पर उमूमन बहुत ज्यादा रश होता है और ट्रेन पर सवार होने और उतरने के लिए काफी वक्त लग जाता है। अपने साथ पानी और छतरी लाजमी रखें। औरतों और ज़ईफ़ों का खास ख्याल रखें और सवार होते वक्त उन्हें तरजीह दें। किसी भी हंगामी हालत में घबराहट का शिकार होने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता मुतासरा जगह से दूर हो जाएं। मदद के लिए गले के लॉकेट पर दिए गए इमरजेंसी फोन नंबर्स पर राब्ता करें। किसी भी सूरत में धक्कम पेल न करें क्योंकि ऐसा करने से किसी कमजोर या ज़ईफ की जान भी जा सकती है। दूसरे आजमीन हज का ख्याल रखें। याद रहे कि किसी मुसलमान की इज्जत और हुर्मत को अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह की हुर्मत से बरतर करार दिया है। वकूफ अरफात 9 जुलहज का वकूफ अरफा हज का रुकन आजम है। अगर ये रह जाए तो हज नहीं होता। ताहम गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मैदान अरफात में पहुंचने वाले का वकूफ हो जाता है। मस्जिद निमरा में मौजूद हुज्जाज खुतबा हज सुनने के बाद जुहर और असर की नमाजें इमाम के पीछे इकट्ठी अदा करते हैं। शदीद रश के बायस ज्यादातर हुज्जाज मस्जिद निमरा नहीं पहुंच पाते
और अपने खेमों में ही बाजमात नमाज अदा करते और फरागत के बाद अपने रब के हुजूर मगरिब के वक्त तक मनाजात करते हैं। ये दिन गुनाहों और खताओं की माफी का दिन है, साथ ही साथ ये हश्र के मैदान में अल्लाह के सामने हाजिरी की याद दिलाने का जरिया भी है। गुरूब आफ्ताब मुकम्मल होते ही तमाम हुज्जाज नमाज मगरिब पढ़े बगैर मुज़दलिफा की तरफ रवाना हो जाते हैं। याद रखें कि मैदान अरफात से वापसी पर शदीद रश और खास तौर पर औरतों, ज़ईफों और माजूरों की हिफाजत के पेश नज़र मुख्तलिफ मकातिब के हुज्जाज की नकल व हरकत के लिए औकात और तरीक़ेकार पहले से तय कर लिए जाते हैं। हुज्जाज के लिए लाजिम है कि वो अपने ग्रुप के साथ और मकतब के नुमाइंदों की हिदायत के मुताबिक दिए गए वक्त पर बस या ट्रेन के जरिए मुज़दलिफा रवाना हो जाएं। रश की वजह से ये फासला 3 से 5 घंटों में तय होता है। इस मौके पर सब्र तहम्मुल और ईसारो कुर्बानी से काम लें। अरफात से मुज़दलिफा का पैदल सफर बआसानी 3 घंटे में तय किया जा सकता है। वकूफ़े मुज़दलिफा। मुज़दलिफा पहुंचकर हुज्जाज मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा करने के बाद शैतानों को मारने के लिए कम से कम 70 अदद कंकरियां इकट्ठी करते हैं। याद रहे कि मुज़दलिफा की रात मुश्किल और दुश्वार होती है। उस दौरान सख्त गर्मी, बेआरामी और सफर की सोबतों के पेश नजर पास हुज्जाज के लहजे में तलखी का अंसर गालिब आ जाता है। यही आजमाइश की घड़ी है। अपने रवैये में शाइस्तगी बरकरार रखें, बेजा शिकवे शिकायत से गुरेज करें और एक दूसरे को बुरा भला ना कहें, सरफे नजर करें। अगला दिन भी निहायत मशक्कत तलब होगा, इसलिए मौका मिलने पर जरूर आराम कर लें। हुज्जाज 10 जुलहज की सुबह नमाज फज्र अदा करने के बाद फिर दुआओं में मशगूल हो जाते हैं और वकूफ मुज़दलिफा मुकम्मल करके तुलुए आफ्ताब के बाद पैदल बसों या ट्रेन के जरिए मीना की तरफ कूच करते हैं। मुज़दलिफा से मीना का फासला 4 किलोमीटर है। मीना पहुंचने के बाद फालतू सामान रखने या आराम की गरज से आप अपने खेमों में जा सकते हैं। रमी जमरात। 10 जुलहज को हुज्जाज ने सिर्फ बड़े शैतान को 7 अदद कंकरियां मारनी हैं। आमतौर पर हुज्जाज जवाल के बाद या जोहर की नमाज के बाद कंकरियां मारने के लिए रवाना होते हैं, लेकिन रश के पेश नजर पहले भी रवाना हो सकते हैं। ज़ईफ मर्दों ख़वातीन की तरफ से उनके वकील भी कंकरियां मार सकते हैं। हुज्जाज को चाहिए कि जमरात की तरफ जाने वाले रास्तों से आगाही हासिल करें। सिर्फ मकतब के मुकर्रर करदा वक्त पर और ग्रुप के साथ रवाना हो। गुम हो जाने की सूरत में रास्तों पर तैनात सब्ज स्कार्फ और पाकिस्तानी परचम थामे मुआविनीन हुज्जाज या रजाकारों से रहनुमाई हासिल करें। कुर्बानी, हल्क, कस्र। कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज सुन्नत इब्राहिमी के तहत कुर्बानी करते हैं। लाखों हुज्जाज के लिए कुर्बानी खुद करना या कुर्बान गाह तक जाना बहुत दुश्वार होता है। जो हुज्जाज अपने हाथ से सऊदी महकमों के जरिए कुर्बानी के पैसे जमा करवाना चाहें, उनकी सहूलत के लिए हरम के नज़दीक कुर्बानी के कूपन हासिल करने के लिए जगह जगह बूथ भी कायम हैं। किसी भी अनजान शख्स को कुर्बानी के लिए पैसे मत दें। बेहतर है कि हज दरख्वास्तों के साथ ही वजारत मजहबी उमूर या सऊदी महकमों के जरिए पैसे जमा करवाए जाएं। वो आपको कूपन पर कुर्बानी का वक्त भी बता देंगे। कुर्बानी 10 जुलहज या 11 जुलहज को भी होती है। हुज्जाज कराम को चाहिए कि जब तक कुर्बानी का वक्त ना आ जाए उस वक्त तक हल्क या कसर ना करवाएं और हालत एहराम ही में रहें। कुर्बानी के बाद हुज्जाज जमरात पर हरम के नज़दीक दुकानों से हल्क या कसर करवाकर हालत एहराम से बाहर आ जाते हैं। तवाफ़े ज़ियारत। हुज्जाज कराम मसनून गुसल के बाद सादा कपड़े पहन लेते हैं और फिर हज के आखिरी फर्ज तवाफ़े ज़ियारत और सई के लिए हरम रवाना होते हैं। सऊदी हुकाम दौरान हज मीना में हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद कर देते हैं। ज्यादातर हुज्जाज जमरात से हरम आने जाने के लिए शेड और सुरंगों वाला पैदल रास्ता इख्तियार करते हैं, जो कि 4 किलोमीटर बनता है। मीना से अजीजिया का पैदल रास्ता 2-4 किलोमीटर है।
मिना की हदूद से बाहर टैक्सी किराए पर मिल सकती है, लेकिन आम तौर पर 20 रियाल किराया लेने वाले ड्राइवर उन दिनों 200 रियाल तक तलब करते हैं। मुनासिब होगा कि कुछ हुज्जाज मिलकर टैक्सी करवा लें। हरम से वापसी पर भी टैक्सी आपको मिना के दाखिली रास्तों पर ही उतारेगी, वहां से अपने खेमे तक आपको पैदल आना पड़ेगा। तवाफ़े ज़ियारत के हुज्जाज हज के फ़राइज़ से फारिग हो जाते हैं, लेकिन उनका क़याम अभी मिना में ही होगा। 11, 12 और 13 ज़ुलहज की रमी। 11 ज़ुलहज को तीनों शैतानों को साथ साथ कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज का क़याम मिना में होता है। अलबत्ता 12 ज़ुलहज को दोबारा तीनों शैतानों को साथ साथ कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज या तो मकतब की हिदायत के मुताबिक ग़ुरूब आफ्ताब से कबल मिना से निकलकर अपनी रिहायशगाह वापस आ जाएं, या फिर अगले दिन यानी 13 ज़ुलहज को भी रमी करने के बाद मिना से रवाना होंगे। मिना से वापस आने के बाद हज के तमाम मनासिक खत्म हो जाते हैं। तवाफे विदा। मक्का मुकरमा छोड़ने और अपने वतन रवाना होने से पहले हुज्जाज अपना आखिरी तवाफ यानी तवाफे विदा करते हैं, जो कि वाजिब है। ताहम तवाफे विदा हैज़ो निफास वाली खवातीन को माफ है। हुज्जाज निहायत बोझल दिल के साथ काबे का मंजर आखिरी बार आंखों में महफूज करते और अल्लाह ताला से दोबारा हाजिरी की इल्तिजाओं के साथ काबे से रुखसत हो जाते हैं। खवातीनों हजरात, हज का इतना अजरो सवाब खंदा पेशानी के साथ मुश्किलात का मुकाबला करने की वजह से है। आपकी खिदमत में इन गुजारिशात को पेश करने का मकसद ये है कि आप जहनी तौर पर किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए खुद को तैयार रखें। दौरान हज सख्त गर्मी और शदीद मौसमी हालात में आपको 5 से 15 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हुज्जाजे कराम सदियों से ये करते चले आ रहे हैं और अल्लाह ताला आसानियां भी पैदा फरमाता है। अगर हम इन मुश्किलात के लिए पहले से तैयार हों तो हम गैर जरूरी गिले शिकवों और शिकायतों से बच जाते हैं और अपनी तवज्जो इबादत पर मरकूज रख सकते हैं। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك